प्रजापति विकास समिति मथुरा द्वारा महाविद्या मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे, जिन्हें समिति द्वारा घरेलू सामान भी प्रदान किया गया। मथुरा के महाविद्या मैदान में प्रजापति विकास समिति मथुरा का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें 21 जोड़ों को वैवाहिक सूत्र में बांधे गए। हम आपको बता दें कि समिति द्वारा लगभग पिछले 16 सालों से लगातार इसी प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। समिति ने कोरोना काल में भी गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक विवाह संपन्न कराए थे और सभी जोड़ों को LED TV, सिंगल बेड, सिलाई मशीन, रजाई और गद्दे, बर्तन आदि सामान भी दिया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए लोगों ने भाग लिया। प्रजापति विकास समिति मथुरा द्वारा इस प्रकार के सामूहिक विवाह आयोजन संपन्न कराकर दहेज की कुरीतियों को खत्म करने का एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जब बेटी पैदा होती है तो पिता को दहेज की चिंता सताने लगती है। इसी दहेज रूपी कुरीति को खत्म करने का काम प्रजापति विकास समिति मथुरा कर रही है। केवल इतना ही नहीं, समिति हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के योग्य छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साह भी बढ़ाती है। आज प्रजापति विकास समिति मथुरा के माध्यम से 21 सामूहिक जोड़ों की शादियां हैं और ये समिति लगभग पिछले 16 वर्ष से इसी प्रकार शादियां करती है। जो हमारा कोरोना काल का समय था, उसमें भी उसकी गाइडलाइन के अनुसार सुविधा को बरतते हुए इन्होंने उसमें भी सामूहिक शादियाँ की हैं और पूरे यहाँ देश से सब लोग कोने कोने से आते हैं। पूरे इस मथुरा ने प्रजापति विकास समिति के माध्यम से, जो आयोजक मंडल है, उसने पूरे देश में दहेज जो एक उत्पीड़न है, जो कुरूति है, उसको एक पूरे देश में संदेश दे रहे हैं। बात सामूहिक शादियों की नहीं है, ये बेटी की शिक्षा जब एक पिता के यहाँ, माता के यहाँ जन्म बेटी लेती है तो उसको एक चिंता सताती है कि भाई दहेज है, शिक्षा भी नहीं दिला पाता। लेकिन प्रजापति विकास समिति का मैं लाख लाख शुक्र गुजार करता हूँ, इनको शुभकामनाएं, धन्यवाद। जितना दिया जाए उतना कम है कि इन्होंने एक कुरूति को दूर करने का काम करते हैं और सब अपने तन मन धन से मिल करके ठाकुर जी की कृपा से सामूहिक शादियों का एक आयोजन करते हैं।